हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाल लाल बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई वीडियो आपको जल्दी मिले। तो ये बिहार पेपर, बिहार पुलिस का पेपर है आपका प्रीवियस पेपर, और ये है आपका 15/12/2013 का एग्ज़ाम का, ठीक है। तो ये सॉल्व पेपर 7 हुआ, हम 6 तक कर चुके हैं। प्रीवियस पेपर 11 पेपर हम करेंगे प्रीवियस का, जो भी बिहार पुलिस में पूछे गए हैं। तो एक वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन बन जाता है कि आगे और वीडियो लाते रहो। तो चलिए और देखिए कि कैसा एग्ज़ाम में, प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आने का चांस रहता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो ये आपका 5 वर्ष के लिए। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है, और राज्यसभा का कार्यकाल ये अस्थाई है, ये भंग नहीं होता है, ये पूछेगा तो ठीक है, तो याद रखिएगा। महिलाओं का मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था, तो 3 का जो आंसर होगा आपका ये होगा ग्रेट ब्रिटेन में, उस टाइम का करेंट टाइप का क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे, तो 4 का जो आंसर होगा आपका सी होगा राज्य पुनर्गठन आयोग से। नस्लवाद का अर्थ होता है, तो 5 का जो आंसर होगा आपका ये होगा रंगभेद। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो 6 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, ठीक है। 1-3 और आपका 4-1-3-4, तो बेरोजगारों को रोजगार देना और सुदृढ़ पंचायती राज होना और नागरिकों को ईमानदार एवं उत्तरदायी होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं था, तो 7 का जो आंसर होगा आपका सी होगा शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो रुचि रखते हैं, ठीक है। संघवाद का अर्थ क्या होता है, तो 8 का जो आंसर होगा आपका ए होगा संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, यही संघवाद होता है, ठीक है। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता द्वारा शासित हैं, तो किसने कहा था, तो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा यह कहा गया था। इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है, तो 10 का जो आंसर होगा आपका सी होगा बहुजन समाज पार्टी। भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी, तो 11 का जो आंसर होगा आपका सी होगा राजीव गांधी ने। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी, तो 12 का जो आंसर होगा आपका बी होगा जयप्रकाश नारायण। 13 है कि भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो 13 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। 14 जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो ये आपका अमृतसर में हुआ था। 15 देखते हैं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है, तो 15 का जो आंसर होगा आपका ए होगा बोस्टन टी पार्टी। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते थे, तो 16 का जो आंसर होगा आपका सी होगा रॉब्सपियर, ठीक है। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष क्या है, तो 17 का जो आंसर होगा आपका बी होगा 1931। इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था, तो 18 का जो आंसर होगा आपका सी होगा चाइना। इनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, तो 19 का जो आंसर होगा आपका डी होगा विश्व स्वास्थ्य संघ। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था, तो 20 का जो आंसर होगा आपका ए होगा सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे, तो ये आपका 1915 में। 22 देखते हैं, इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, तो 22 का जो आंसर होगा आपका सी होगा राष्ट्र संघ का गठन, ठीक है। राष्ट्र संघ का गठन जो हुआ था ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था, ठीक है। मानव और नागरिकों का अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है, तो 23 का जो आंसर होगा आपका सी होगा सभी वयस्कों का मताधिकार दिया गया है। सही सुमेलित कौन सा है, 24 का बताना है, तो 24 का जो आंसर होगा सी होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए थे, तो 25 का जो आंसर होगा आपका सी होगा चूड़ामन। पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं, तो 26 का जो आंसर होगा आपका ए होगा खैबर दरा। फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है, तो 27 का जो आंसर होगा आपका सी होगा अल्पाइन वन से। नाथुल्ला दारा किस राज्य में स्थित है, तो 28 का जो आंसर होगा आपका ए होगा सिक्किम में, ठीक है। 29 है वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह क्या कहलाता है, तो 29 का जो आंसर होगा आपका
सी होगा अकेसिया। 30 देखते हैं, नदी जो बिहार का शोक कहलाती है कोसी नदी है, चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितनी होती है, तो 31 का जो आंसर होगा आपका बी होगा 28 दिन, लगभग 27.5 दिन का होता है। ठीक है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, तो 32 का जो आंसर होगा आपका बी होगा दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो जो गरसोपा है। 33 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया, तो 34 का जो आंसर होगा आपका सी होगा 1992 में। भारत में रेल मंडलों की वर्तमान में संख्या कितनी है, तो 35 का जो आंसर होगा आपका डी होगा। ठीक है, 16। तो ये आपका उस टाइम का क्वेश्चन है, अभी तो मंडल 18 हो गया। ठीक है, 17 था लेकिन एक और बड़ा है तो 18 हो गया। ठीक है, तो ये उस समय का क्वेश्चन है। और राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा राज्य है, तो 36 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। ठीक है, 36 का सी, उड़ीसा में। भारतीय राज्य जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है वो कौन सा है, तो ये आपका झारखंड है जो नहीं गुजरती है। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह क्या कहलाता है, तो ये आपका पृथ्वी का परिभ्रमण गति। जनगणना 2011 के अनुसार किस व्यवसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है, तो 39 का जो आंसर होगा आपका बी होगा द्वितीय। यह मेरा घर है और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है, तो 40 का जो आंसर होगा आपका सी होगा सार्वनामिक विशेषण। 41 देखते हैं, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए, मैं रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का प्रकार है, तो 41 का जो आंसर होगा आपका सी होगा रीतिवाचक। निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों में भेदों की सही विकल्प चुनकर लिखे, 42 है, तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे, तो 42 का जो आंसर होगा आपका बी होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। सही उत्तर छांटे 43 का है, तो इसमें सैनागार और कातर हिमालय संरचना के आधार पर क्रम से इनका परिचय है, तो ये आपका 43 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, यौगिक हैं, रूढ़ हैं और योग रूढ़ हैं। ठीक है, सैनागार यौगिक हैं, कातर जो हैं रूढ़ हैं और हिमालय योग रूढ़ हैं। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, तो 44 का जो आंसर होगा आपका सी होगा तृतीय पद प्रधान होता है। पाठ प्लस साला पाठशाला के मेल को कहा जाएगा, तो 45 का जो आंसर होगा आपका बी होगा समास। 46 शुद्ध वाक्य छांटे, तो 46 का जो आंसर होगा आपका ये होगा, मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से शरीर में विटामिन डी बनाता है, तो 47 का जो आंसर होगा आपका सी होगा त्वचा। सन 2014 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर होगा, ये 2013 था। ठीक है, 2014 का क्वेश्चन पूछा था, तो करेंट भी एक दो पूछ लेता है, तो 48 का जो आंसर होगा इसे इग्नोर करते हैं, चलते हैं आगे। कंगारू कहाँ के मुख्य पशु है, तो 49 का जो आंसर होगा आपका डी होगा ऑस्ट्रेलिया का। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को, तो 50 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका पेरिस में है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये आपका फुटबॉल से है। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो 53 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। लाल बहादुर शास्त्री ने फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन, नदर न्यू ईयर इव नॉर वैलेंटाइंस डे, फिल इन द ब्लैंक है, ए नेशनल हॉलीडे इन इंडिया, तो ये आपका इज एम आर होगा कि बी होगा। ठीक है, तो 54 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, इज होगा, वैलेंटाइंस डे इज ए नेशनल हॉलीडे इन इंडिया। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन, आइदर हिस्टोरिकल ओकेजन्स या डिस्टिंग्विश्ड पर्संस, ब्लैंक है कोमेमोरेट ऑन सेकुलर हॉलीडेज। ठीक है, तो यहाँ पर आइदर लग गया, तो आइदर में सिंगुलर वर्ब लगता है, तो 55 का जो आंसर होगा आपका डी, आइदर हिस्टोरिकल ओकेजन्स या डिस्टिंग्विश्ड पर्संस, तो यहाँ पर देखिए दोनों प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब ही लगेगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो आपका 55 का डी होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस, तो ये आपका आई बाउट ऑल दिस बुक्स बाय ओनली आर एस
700, ठीक है। तो बाई होगा फोर होगा, विथ होगा इन होगा, तो 56 का जो है आंसर होगा आपका डी होगा, फोर ओनली RS 700, ठीक है। आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज ऑलवेज यूज एज ए सिंगुलर, तो सिंगुलर के रूप में कौन सा ही आपका प्रयोग किया जाता है एक वर्ड, तो 57 का जो आंसर होगा आपका सी होगा मिजल्स, ठीक है। द यंग वन ऑफ ए गॉट इज किड एंड दैट ऑफ ए हेन इज, ठीक है। तो जैसे यहाँ बोल रहा है कि बकरा का यंग को किड गॉट इज किड एंड दैट ऑफ हेन इज, तो हेन के जो बच्चा को क्या कहा जाता है, तो वहीं पूछ रहा है। तो आपका 58 का जो आंसर होगा आपका बी होगा चिक कहलाता है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस वन वर्ड इज प्रिंटेड इन बोल्ड, चूज द वर्ड विच मीन्स मोस्ट नियरली द सेम एज द बोल्ड वर्ड, ठीक है। तो 59 का जो आंसर होगा आपका, यहाँ पर देखिए, ही डिड नॉट नो दैट रमन वॉज ए टीचर्स फ्रेंड, ठीक है। तो बोल्ड का आपका यहाँ पर इसमें यहाँ सिमिलर ही चुनना है, ठीक है। तो 59 का जो आंसर होगा आपका डी होगा फॉल्स एंड डिसलॉयल। विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज इनकॉरेक्ट, तो 60 का जो आंसर होगा आपका डी होगा वोअर एंड डैम, जो इनकॉरेक्ट है। भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है कब से कब, तो 61 का जो आंसर होगा आपका सी होगा जुलाई से अक्टूबर। जैवमंडल में रासायनिक पोषकों का क्षरण होता है, तो 62 का जो आंसर होगा आपका डी होगा इनमें से सभी के द्वारा। प्रोटीन संश्लेषण होता है तो राइबोसोम में, तो 63 का जो आंसर होगा ये होगा। 64 है खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा को बदलते हैं किसमें, तो 64 का जो आंसर होगा आपका डी होगा रासायनिक ऊर्जा में। 24D है एक प्रकार का, तो 65 का जो आंसर होगा आपका ए है, एक खरपतवार नाशक। पुनरुद्भवन के एक विशेष क्षमता पाई जाती है किसमें, तो 66 का जो आंसर होगा बी होगा पेरिफेरा में। आहार श्रृंखला में मौजूद मेंढक टिड्डा घास और सांप, यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर कार्य है तो तृतीय पोषी स्तर पर कौन सा होगा, तो 67 का ए होगा मेंढक, ठीक है। दिसंबर 1984 में भोपाल की घटना गैस दुर्घटना हुई थी, जहरीली गैस का रिसाव होता तो कौन सा गैस था, तो मिसाइल आइसोसाइनाइड MIC, ठीक है। एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा क्या होती है, तो 69 का जो आंसर होगा आपका ये होगा घटती है। कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन क्या है, तो आपका 70 का जो आंसर होगा सी होगा पर्णाभर पर्व एवं पर्णशुल्क, ठीक है। आपतन का कोण इनके बीच का कोण है, तो 71 का जो आंसर होगा आपका सी होगा सतह पर अविलंब द्वारा आपतित किरण के पर, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, तो 72 का जो आंसर होगा आपका सी होगा धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते रहता है। विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है, तो 73 का जो आंसर होगा आपका ए होगा वर्णपट्टी कहा जाता है। देगरा ग्राफ में त्वरण का मान क्या है, तो 74 का जो आंसर होगा आपका सी होगा शून्य होगा। यदि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या होता है, तो 75 का जो आंसर होगा आपका सी होगा विश्राम जड़त्व का कारण, अर्थात न्यूटन के प्रथम गति के नियम होता है, क्योंकि जो भी कोई वस्तु हो जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था को बनाए रखना चाहती है, तो अचानक चलेगी, ठीक है, तो अश्वारोही जो होता उसी अवस्था में रहना चाहेगा विश्राम की अवस्था में, तो पीछे लुढ़क जाता है, ठीक है। किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है, तो 76 का जो आंसर होगा आपका ये होगा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, ठीक है। भी बराबर IR होता है, या भी जो होता है I के समानुपाती होता है, ठीक है। प्रकाश की किरण एक माध्यम से जिसके अपवर्तनांक μ1 है से चलकर दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ2 में है में प्रवेश करती हैं, अगर आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बटा साइन R का मान क्या होगा, तो ये μ2 बटा μ1 हो जाएगा, तो 77 का जो आंसर होगा आपका D होगा, उल्टा हो जाता है, ठीक है। दोनों द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है इसमें, तो 78 का जो आंसर होगा आपका ए होगा g/2 newton। कोई स्थिर बल किसी वस्तु के 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, तो बल का मान क्या होगा, तो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आपका डी होगा 0.25 newton।
जब दो समानांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो क्या होता है? तो ये आपका वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 6, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा दिया है 6, अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 दिया है, तो समीकरण क्या होगा? ठीक है, तो 81 का जो आंसर होगा आपका ए होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 होगा। ठीक है, इनमें से किस परिमेय संख्या को सतत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो 82 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, 2027 बटा में 625। यदि 1 + √1 + 25 / 144 बराबर 1 + x / 12 है तो x का मान क्या होगा? तो 83 का जो आंसर होगा यह आपका ए होगा, 1 मान आएगा इसका। ठीक है, यदि एक वृत्त में त्रिज खंड के त्रिज्य r हो और वृत्त का केंद्र पर x डिग्री का कोण बनता हो तो त्रिज खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 84 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, x डिग्री बटा में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। दिया हुआ मस इतना बराबर 11 और लस इतना है तो r का मान निकालना है, तो 85 का जो आंसर आएगा आपका बी आएगा। ठीक है, 40 मैथ इसलिए नहीं बनाता हूँ कि क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। मैथ का अगले वीडियो में आप पीडीएफ ले लीजिएगा तो उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पीडीएफ में आपको मैथ बना हुआ दिखेगा। ठीक है, और यहाँ देखते हैं कि एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, और यदि वृत्त की त्रिज्या की लंबाई जो है 28 सेंटीमीटर तो लघुखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो 86 का जो आंसर आएगा आपका डी आएगा, 30.456 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि एक त्रिभुज के शीर्ष कोण 130 डिग्री है तो उसके आधार के समद्विभाजकों के बीच का कोण कितना होगा? त्रिभुज के शीर्ष कोण जो है 130 डिग्री है यहाँ पर। ठीक है, तो समद्विभाजक का बीच का कोण क्या होगा? तो 87 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, 155 डिग्री। गुणनफल इतना में इकाई का अंक क्या होगा? तो आप यहाँ पर गुणा कर सकें, 3 × 27 = 7 × 14 = 4 × 4 = 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 88 का जो आंसर आएगा आपका ए आएगा, इसमें 0 आएगा क्योंकि 81 भी है, 82 भी, 83 है, 84 है और 85 आ गया। ठीक है, तो 85 में आपका 5 यहाँ पर 82 आ गया तो 2 और 5 मिलकर 0 बनेगा ही, तो ऐसा कुछ दे गुणनफल लगातार तो उसका ज़्यादातर मान आपका इकाई अंक जो होगा 0 आता है। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 3x² + 8x + 2 के मूल हो तो 1 / α + 1 / β बराबर क्या होगा? तो 89 का जो आंसर आएगा आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका सी आएगा, -4। एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया, मान लीजिए कि 100 है। ठीक है, वो 20% की हानि पर बेच दिया अर्थात 80 में बेच दिया, उसने वस्तु को 100 अधिक में बेचा होता। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं कि वस्तु को 100 अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता था, तो 105 का। ठीक है, तो ये परसेंटेज में बढ़ रहा है कितना? 25%। ठीक है, वास्तव में बढ़ कितना रहा है? 100, तो 25 × 100 होगा तो 1% बराबर आपका 4, तो 100% इसका क्रय मूल्य होगा, तो 100 × 4 करेंगे तो 400 आएगा, तो इसका जो आंसर होगा 400 होगा। ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग क्यों किया जाता है? तो 91 का जो आंसर होगा आपका ए होगा, यह कागज़ पर चिन्ह अंकित कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश क्या होता है? तो 92 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, 1/1837 प्रोटॉन तथा भार ऋण आवेश। एक बिलियन जिसका pH 3 है तो उस बिलियन का OH- की सांद्रता क्या होगी? तो 93 का जो आंसर होगा आपका ए होगा, 10^-11। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन क्या है? तो 94 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, समवायवी है। 95 देखते हैं, इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? तो 95 का जो आंसर होगा आपका ए होगा, एल्यूमिनियम का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न अबंध है, तो नाइट्रोजन गैस के अणु में अबंध जो होते हैं आपका वो त्रिसहसंयोजी होते हैं। निम्न अभिक्रिया में
बताना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। H2S प्लस Cl2H2 2HCl प्लस सल्फर, तो 97 का जो है इसमें आपका ये हो रहा है कि क्लोरीन Cl2 का अक्षिकारक की तरह व्यवहार कर रहा है, ठीक है। न्यूक्लियॉन का मान होता है तो 98 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। बायोगैस के अवयव है तो 99 का जो आंसर होगा आपका यही होगा, CH4H2 और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और H2, ये बायोगैस का अवयव है। और ना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और लास्ट क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, ऊष्मा ऊर्जा, तो ये क्वेश्चन आप पर छोड़ देते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।